हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का जो टॉपिक है, प्रोटीन बाइंडिंग। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके नोट्स आप प्रिपेयर करते रहिए टाइम टू टाइम, डेली टू डेली। बाकी आज हम इसके ऊपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये, बहुत अच्छे से मैं इसको आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत ही ध्यान से आप इस टॉपिक को सुनिए, समझिए और इसको नोट डाउन कीजिए, रिवाइज़ कीजिए। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रोटीन बाइंडिंग होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच ड्रग मॉलिक्यूल्स बाइंड विद प्रोटीन। इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स टाइप मॉलिक्यूल्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज प्रोटीन बाइंडिंग, या फिर हम इसको प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ तो जब हम कोई ड्रग लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कोई भी टैबलेट अगर फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में कोई ड्रग है, तो अगर हम उसको लेते हैं, हम माउथ से उसको इंटेक करते हैं, वो स्टमक में जाती है। स्टमक में जाने के बाद में वो वहाँ पर टूटती है, टूटने के बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में क्या होता है, यानी कि स्टमक में क्या हुआ, उसका ब्रेक डाउन हुआ। उसके बाद ब्रेक डाउन होने के बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है, वहाँ पर क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है? कैपिलरीज के द्वारा, जिसमें ब्लड वेसल्स, जो जिसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज में जब वो पहुँचती है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में जब वो पहुँचती है, उसी को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया भी था एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब वो एब्जॉर्प्शन करती है, तो वो वहाँ पर ब्लड जो कैपिलरीज हैं, सिंपल सी बात है, उसमें क्या है, उसमें ब्लड है हमारा। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो जब प्लाज्मा प्रोटीन में जा करके वो ड्रग बाइंड करती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, तो इसी को हम कहते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। इसी कॉम्प्लेक्शन को हम बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। क्लियर है ना? यानी कि जब कोई ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद में ब्लड की जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, उससे जब बाइंड अप करती है, उससे जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, तो उसी कॉम्प्लेक्सेशन को हम बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कोई ड्रग है। ठीक है, ये ड्रग है और ये क्या है, प्लस प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, तो होगा क्या, जब ये ड्रग प्रोटीन के साथ में बाइंड करेगी, और यहाँ पर जो आपको एरो के सामने दिख रहा है, ये क्या है, ब्लड है आपका। ब्लड में क्या है आपके, ये प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है। और ब्लड में जब ड्रग जाती है, तो वो क्या करती है, प्रोटीन के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। तो जो कुछ पार्टिकल्स होंगे हमारे ड्रग के, वो प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, और कुछ जो हैं वो हमारे फ्री ड्रग मॉलिक्यूल्स के रूप में रह जाएंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, हर कोई तो नहीं जीतता है, कुछ ही लोग हैं जो जीतते हैं। ठीक है, और कुछ हमारी यहाँ पर जो क्वांटिटी है ड्रग की, वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि वही बायोअवेलेबिलिटी वाली बात आ जाती है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन के साथ में कुछ ही मॉलिक्यूल्स ड्रग के होते हैं जो बाइंड अप करते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं आगे। After the absorption of drug, when drug reaches into systemic circulation, जो ही वही बात जो मैंने आपको बताई अभी, it bind with the plasma protein, ठीक है ना, which is already present in blood and form a plasma protein drug complex, same जो मैंने अभी आपको discuss किया है ना। Some proteins which present in blood, अब देखो कुछ proteins होती हैं जो blood में present होती हैं, जैसे कि हमारा albumin हो गया, alpha acid glycoprotein हो गया, lipoprotein हो गया, globulins हो गया, है कि नहीं है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो मोस्टली जो हमारे ब्लड में जो प्रोटीन पाया जाता है, दैट इज़ एल्ब्यूमिन। और इसीलिए यही कारण है कि मोस्टली जो ड्रग है वो इसी प्रोटीन के साथ में क्या करती है, बाइंड अप करती है। ठीक है ना, और चाहे वो एसिडिक नेचर की ड्रग हो या फिर बेसिक नेचर की ड्रग हो, कोई भी ड्रग हो, वो जा करके एल्ब्यूमिन से मोस्टली अटैच करती है। ठीक है, ड्रग ऑल्सो अटैच्ड विद सम ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन ऑफ एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिशू, बट मोस्टली विद ब्लड प्रोटीन। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रोटीन से ही ये जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है ड्रग। ब्लड सेल्स जो भी हैं, प्रोटीन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर का भी प्रोटीन टिश्यू हैं, बट जो मोस्टली जो है वो हमारा ब्लड प्रोटीन, यानी कि एल्ब्यूमिन से जा करके ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। ठीक है, वहन ड्रग इज कम्बाइंड विद द प्रोटीन, दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब देखो, जब कोई ड्रग जा करके प्रोटीन के साथ में बाइंड अप करती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, तो वो दो तरीके के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है। फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल एंड सेकंड वन इज इरिवर्सिबल। ठीक है ना, तो जो रिवर्सिबल है वो क्या है,
ठीक है, इन दिस द ड्रग इज़ वाइंड विद प्रोटीन विद वेरी वीक अट्रैक्शन फोर्स लाइक वंडरवॉल्स फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दे कैन ईजिली डिटैच। यानी कि जो हमारी रिवर्सिबल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी वो कैसे होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी, जब कोई ड्रग है वो जो प्रोटीन के साथ में जा करके बाइंड अप करेगी, तो वो किसी वीक अट्रैक्शन फोर्स के साथ में बाइंड अप अगर करती है, जैसे कि वंडरवॉल्स फोर्स या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, तो वो ईजिली हमारी जो है वो डिटैच हो सकती है, यानी कि ईजिली वो टूट सकती है, ईजिली वो अलग हो सकती है, ईजिली, है ना, दोबारा से उसी फॉर्म में आ सकती है, यानी कि रिवर्सिबल, यानी कि उल्टा जस्ट, यानी कि जब वो जुड़ी अब फिर से रिवर्स होकर के उसी फॉर्म में आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ देखिए बहुत ही बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर, जैसे कि ये आपका ड्रग है ब्लू वाला, ठीक है ना, और एक तरफ क्या है आपका प्रोटीन है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, अब किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू या फिर वंडरवॉल्स फोर्स के थ्रू या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू तो करेंगे, है ना, तब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म जब ये करते हैं तो एक तरफ आपको जो दिख रहा है स्टार्टिंग में ये क्या है आपका, ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल क्यों है, बिकॉज इसमें क्या हुआ है कि ड्रग ने जो प्रोटीन के साथ वाइंड अप किया है किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ में, तो ये दोबारा से क्या होगा, अलग नहीं होगा, दोबारा से नहीं टूटेगा, तो इसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल, यानी कि अब ये दोबारा अलग होने वाला नहीं है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बट अगर कोई ड्रग और प्रोटीन अलग हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि वो किसी वीक बॉन्ड के साथ में वाइंड अप होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो वो क्या करता है, वो रिवर्सिबल कहलाता है, यानी कि वो दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आई होगी बहुत अच्छे से, चलिए चलते हैं वहीं पर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा था, ईजिली डिटैच एंड ड्रग बिकम्स फ्री, और दोबारा से ड्रग जो है वो फ्री हो जाए, ठीक है, एंड देन दिस ड्रग वाइंड विद रिसेप्टर एंड गिव इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है, और जा करके जो हमारा रिसेप्टर है जहाँ पर साइट ऑफ एक्शन पे जहाँ पे जानी चाहिए ड्रग, वहाँ पर जा करके वहाँ से रिवर्सिबल होने के बाद में, यानी कि फिर से बॉन्ड के प्रोटीन बाइंडिंग जब होती है तो प्रोटीन से अलग होके वो जा करके जो हमारा साइट ऑफ एक्शन पे जो रिसेप्टर है उससे जाकर के बाइंड हो सके, इसलिए वो क्या होती है, अलग हो जाती है, ठीक है। एंड इरिवर्सिबल में क्या होता है, वही चीज़ मैंने जो आपको बताई, इन दिस द ड्रग वाइंड विद द प्रोटीन विद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लाइक कोवेलेंट बॉन्ड सो दे कैन नॉट अटैच्ड डिटैच्ड, यानी कि अलग नहीं होते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल वाली कंडीशन में क्या होता है, ड्रग प्रोटीन से अलग नहीं होती क्योंकि वो किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ में वहाँ पर बाइंड अप करती है, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिस वजह से वहाँ पर जो है ड्रग जो है वो हमारा बॉन्ड के साथ में प्रोटीन के साथ में अलग नहीं हो पाता, ठीक है। सो ड्रग डू नॉट बिकम्स फ्री एंड इट डज नॉट वाइंड विद रिसेप्टर एंड नॉट गिव एनी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स एक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊंगा आपको, वो तो थ्योरी हुई थी, वहाँ से भी आपको समझ आया होगा, अब मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ इंपॉर्टेंस क्या है रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन से इसका, यानी कि प्रोटीन बाइंडिंग का बायोलॉजिकल एक्शन से क्या रिलेशन है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो ड्रग है, वही चीज़ ड्रग क्या करती है, प्रोटीन से जा करके बाइंड होती है, ठीक है, और बाइंड होकर के क्या फॉर्म करती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, एंड कुछ जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री फॉर्म में होते हैं, यानी कि कुछ नहीं कर पाते हैं, वीक होते हैं फॉर एग्जांपल। तो भाई उसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, अब ब्लड में क्या है हमारा, सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स के बाहर क्या है हमारा, यहाँ पर ये हमारी मान लो कैपिलरी है, कैपिलरी की ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के कैपिलरी के अंदर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है, और जो हमारी ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूड है, ठीक है। अब देखो ये सेल्स हैं, अब सेल्स के अंदर अब इस कॉम्प्लेक्स को क्या करना है, एंटर करना है, और एंटर वही कर पाएंगी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगी, यानी कि जो ड्रग प्रोटीन के साथ में प्रोटीन बाइंडिंग करती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, वही यहाँ पर जा करके क्या कर पाएंगे, इस जो हमारी सेल की जो हमारी मेम्ब्रेन है उसको एंटर कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको चेलेशन वाले चैप्टर में बताया था कि कब उसके अंदर एक्सेप्ट कर पाते हैं, उससे पहले भी बताया था, ठीक है। तो तभी ये कर पाएंगे, जो फ्री फॉर्म में होंगे वो इसको पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को। तो हमारे जैसे कि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल थे, 1 2 3 4, फोर जो थे हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर साइट ऑफ एक्शन पे, यानी कि साइट ऑफ एक्शन जहाँ पर रिसेप्टर है वहाँ पर ये एंटर कर गए, ठीक है, कर गए एंटर, ठीक है। यानी कि जो हमारी ये जो नीचे की तीन सेल हैं ये क्या है, हमारी डैमेज सेल हैं, जहाँ पर उस ड्रग की ज़रूरत है, ये इसको बोल देंगे साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये चार चीज़ें आ गई, यानी कि चार हमारे ये प्रोटीन बाइंडिंग यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है फिर से वही वाली बात कि भाई अब ये आ तो गए, यहाँ तक तो पहुँच गए, बट भाई ये जो ड्रग है इसको कौन पकड़ा हुआ है, प्रोटीन पकड़ा हुआ है ना। अब इस ड्रग को प्रोटीन से छूटना होगा तब जा करके वो रिसेप्टर से बाइंड अप करेगा, बाइंड हो गया। अगर वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाता है तो वो बाइंड नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि नीड टू अगेन डिटैच फ्रॉम प्रोटीन, यानी कि फिर से इनको ज़रूरत है प्रोटीन से अलग होने की, तब जा करके ये क्या करेंगे, साइट ऑफ एक्शन से के रिसेप्टर से बाइंड अप कर पाएंगे, है ना। देखते हैं यहाँ पर जैसे कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दो हैं और दो से क्या हुआ, ड्रग अलग हो गई, है ना भाई, सिंपल सी बात है। अगर हमारा गोल गोल खांचा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है उसमें गोल बॉल ही तो आएगी, हैं, चौकोर बॉक्स अगर हम उसमें डालेंगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा, है ना भाई। जितनी बड़ी गोल है हमारा, जो हमारा गोल है उसमें उतनी बड़ी ही बॉल आएगी, ठीक है, गोल खांचे में गोल बॉल ही आएगी, चौकोर तो नहीं आएगी। तो वही चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारी ड्रग है वो गोल फॉर्म में है मान लो फॉर एग्जांपल, और जो हमारा प्रोटीन था वो हमारा चौकोर फॉर्म में था, है ना। तो भाई वहाँ से प्रोटीन से अलग होगी जब ड्रग, तभी वो गोल वाले खांचे में बैठ पाएगी सटी, और जब बैठ पाएगी तभी वो रिसेप्टर उसको पकड़ पाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो दो ने क्या किया, प्रोटीन से इरिवर्सिबल वाले, सॉरी रिवर्सिबल वाले जो हमारा मेथड था, वही चीज़ कि यहाँ पर हमारी जो ड्रग है, हमारी ड्रग ऐसे नेचर की होनी चाहिए जो रिवर्सिबल भी हो, और मतलब कि जो क्या करे, अलग भी हो जाए और जुड़ भी जाए, है ना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि कहीं पर हमें ज़रूरत पड़ती है उसके बाइंडिंग की, कॉम्प्लेक्सेशन की, कहीं पर हमें ज़रूरत पड़ती है फ्री ड्रग की। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत किसकी है, फ्री ड्रग की, फ्री मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पर फ्री मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, रिसेप्टर से जा करके बाइंड अप किया, और कुछ हमारी फ्री ड्रग हैं वही जा करके यहाँ पर साइट ऑफ एक्शन पे क्या किया, बाइंड अप कर पाए। तो इस तरीके से जब यहाँ पर ड्रग पहुँची तब जा करके हमारा बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट शो होता है, और यही चीज़ होती है बायो अवेलेबिलिटी भी, है ना। अब सोच करके देखो इतना सारा चक्कर करना पड़ा हमें ड्रग को वहाँ तक पहुँचाने में, साइट ऑफ एक्शन पर पहुँचाने में, समझ रहे हो आप। और इसी वजह से हमारी बायो अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है, अगर हम 500 mg की ड्रग खाते हैं तो। इस तरीके से देखो हमें क्या लगता है, हमने खा ली बस हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो जो ड्रग है वो कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचती है, ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारी ड्रग जो है वो साइट ऑफ एक्शन पर पहुँचती है, ठीक है। यानी कि कितना लॉस होता है ड्रग का और कितनी कम मात्रा में जाकर के वहाँ तक पहुँच पाती है, समझ रहे हो। तो इसीलिए हमारे ड्रग को दोनों नेचर का होना चाहिए, ठीक है, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर का भी होना चाहिए, प्लस वो कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म भी करे, और कहीं पर ज़रूरत हो तो वहाँ से कॉम्प्लेक्सेशन वो टूट भी जाए, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके की ड्रग हमारी होनी चाहिए, और यही कारण है कि जो हम ड्रग डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में लेते हैं आईवी के थ्रू, वो उनका बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही हाई होता है, 100% होता है, 100% हमें बायो अवेलेबिलिटी वहाँ से मिलती है। इसीलिए जब हम कोई जो है आईवी रूट से, है ना, कोई ड्रग लेते हैं तो उसका रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिलता है, ठीक है, है ना। और जो हम ओरल रूट से लेते हैं उसका रिस्पॉन्स हमें देर में मिलता है और कम मिलता है, क्यों, क्योंकि उसमें बायो अवेलेबिलिटी हमारी 40%, 50%, 60%, 70%, 80% इस तरीके से होती है, जबकि आईवी रूट से हम कोई ड्रग लेते हैं तो उसकी 100% तक हमें बायो अवेलेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। इट इन्फ्लुएंस द बायो अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स, वही चीज़, एक्टिव कंपाउंड्स क्या है यहाँ पर, ड्रग्स, बोथ कॉम्प्लेक्स प्लस फ्री ड्रग फॉर्म आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंप्लीट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन को कंप्लीट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि हमारी ड्रग को दोनों फॉर्म में होना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी एंड फ्री फॉर्म में भी, यानी कि जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले, और जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर फ्री फॉर्म में अपने आप फिर से
पहले वाली कंडीशन में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह के नेचर की हमारी ड्रग होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, नहीं समझ तो आप दोबारा से इसको देख लो बैक करके, ठीक है। बट बहुत ही अच्छे से आपको आई होप समझ में आया होगा आज का जो टॉपिक है, प्रोटीन बाइंडिंग किस तरीके से प्रोटीन के साथ बाइंड करती है ड्रग और कैसे कैसे करके वहाँ तक पहुँचती है हमारे रूट साइट ऑफ एक्शन पे और रिसेप्टर से कैसे बाइंडिंग करती है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।